यह मंदिर एक्चुअल 6वीं शताब्दी का है, लेकिन आर्कोलॉजिस्ट नहीं आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसे 8वीं शताब्दी माना है। और यह मंदिर चित्तूरनाथ लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर से की गई है। एकमात्र बिहार का एकलौता मंदिर है, शिव मंदिर है, जो अभी राष्ट्रीय धरोहर के रूप में यहाँ ऊपर कुंभ के धरातल पर उपस्थित है। कुंचेश्वर महादेव मंदिर। नागर शैली में निर्मित गुप्तोत्तर काल 8वीं शताब्दी का यह मंदिर बिहार के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। वक्र रेखीय शिखर, इस मंदिर के गर्भगृह की छत भीतर से गज पृष्ठाकार है तथा ऊपरी भाग में एक प्रकोष्ठ बना है। आधार पर 8.50 मीटर वर्गाकार मंदिर की ऊंचाई लगभग 21.0 मीटर है। ईंटों द्वारा निर्मित तथा चूना सुर्खी प्लास्टर से युक्त इस मंदिर के गर्भगृह में कोचेश्वर महादेव के रूप में पूजित शिवलिंग स्थापित है। मंडप में शिव, विष्णु, गणेश, सूर्य इत्यादि अनेक देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियां रखी है, जो यहां पर अतीत में एक बड़े मंदिर समूह के अस्तित्व का साक्ष्य प्रस्तुत करती हैं। यह मंदिर सन 1996 ईस्वी से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पटना अंचल पटना के अधीन सुरक्षित स्मारक है। मैं रामाधार शर्मा, सांस्कृतिक चेतना समिति कोंच के सचिव के रूप में हूँ, और कोंच का जो ऐतिहासिक मंदिर है उसके संदर्भ में मैं संक्षिप्त रूप से कुछ व्याख्यान देना चाह रहा हूँ। कोंच टेम्पल का अधिग्रहण 14 अप्रैल 1996 में हुआ। इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित किया गया है। यह मंदिर एक्चुअल 6वीं शताब्दी का है, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसे 8वीं शताब्दी माना है। हालांकि यहाँ 6 गो आर्कियोलॉजिस्ट आए हैं। पहला वेनसांग चाइनीज भ्रमणकारी जो आया था वो आया हुआ है। फिर कनिंगहम आए हैं, बेगलर आए हैं, किट्टो आए हैं, ग्रियसन आए हैं, पेपे आए हैं और बूच आए हैं। सभी ने इस मंदिर के बारे में बड़ा बृहद रूप से अपना इतिहास डाला है। और यह मंदिर चित्तूरनाथ लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर से की गई है। यह मंदिर 108 फीट ऊंचा है, 32 फीट इसकी चौड़ाई है, और यह ग्राउंड लेवल से करीब करीब हम समझते हैं कि इसकी जो ऊंचाई है 108 फीट गुंबद तक है, कॉर्बल तक है। और साथ ही इसकी जो कलाकृतियाँ हैं, वास्तुकलाएँ हैं, वो एक एक कीट पर नकाशे हैं जो बहुत ही पौराणिक हैं। और सचमुच में यह ऑर्नामेंटल टेम्पल है। कुचेश्वरनाथ मंदिर के बाह प्रांगण में यानी कुटेश्वर मंदिर के लगे जो एक मंडप है जो 32 फीट का है, उसमें बहुत सी मूर्तियाँ उसमें हैं। और ठीक गर्भगृह के दरवाजे जैसे ही बाहर निकलते हैं, दाहिने साइड में कार्तिकेय और गणेश दोनों तरफ हैं, भगवान विष्णु हैं, भगवान का दशावतार हैं, साथ साथ अष्टभुजाधारी शिव महादेव भी हैं। और भगवान का दशावतार का रूप तो खैर है ही, हर गौरी हैं। बहुत ही ऐसी ऐसी कीमती मूर्तियां हैं और ऐसे ऐसे दुर्लभ मूर्तियां हैं जो हम समझते हैं कि पूरे भारत में भी इस तरह की मूर्तियां मिलना मुश्किल हो जाएगी। 6 फीट का यहां विष्णु मंदिर है, 6 फीट की ऊंचाई की मूर्ति है विष्णु भगवान का है, जो भी ग्रेनाइट पत्थर का है। ये टोटल पत्थर ग्रेनाइट पत्थर हैं, ब्लैक स्टोन है जो काफ़ी हार्ड है। और इस पर जो कलाकृतियाँ हैं, जो मेहराव जो दिया गया है या जो उनके जो जितने भी नकाशे काटे गए हैं, तो बहुत ही जटिल है। आज के कोई भी कलाकार इसे नहीं कर सकता है, इसलिए इसकी प्रधानता बहुत ही विशेष रूप से वास्तुकलाओं के रूप में एक मात्र सबसे उच्चतम और उच्च कोटि का एक यहाँ कलाकृतियाँ हैं। मैं चाहता हूं कि भारत सरकार तो इसका ग्रेड कर चुका है, बिहार सरकार इसको पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए कृत संकल्प है और इसमें प्लानिंग बनी हुई है और बन चुका है, मीटिंग भी चल रही है। और बिहार सरकार की तरफ से काफ़ी ये है कि यहाँ इसको पर्यटक बना करके इसको काफ़ी ऐसा किया जाए कि जो बच्चे हैं जो हमारे बौद्धिक रूप से यानी कहने का मतलब कि इतिहास के जानकार हैं या जो जानना चाहते हैं वो यहाँ करके कुछ ग्रहण कर सकते हैं, साथ ही उनकी कुछ रोजी रोजगार की भी व्यवस्था हो सकती है एवं यहाँ पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का प्रोग्राम चल रहा है। संभवतः निकट भविष्य में ही यह भी बहुत जल्दी ही पर्यटक के रूप में विकसित होगा, हमारा पूर्ण विश्वास है। इस मंदिर के
पूरे भारत के नक्शे पर आर्कोलॉजिकल में 175 इसका स्थान दिया गया है पूरे भारत में, इसलिए ये नेशनल मॉन्यूमेंट के रूप में ये ऑलरेडी मंदिर है। और एकमात्र बिहार का एकलौता मंदिर है, शिव मंदिर है, जो अभी राष्ट्रीय धरोहर के रूप में यहाँ ऊपर कुंज के धरातल पर उपस्थित है।